नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकाडमी में आप लोग का स्वागत है। इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है सभी कैंडिडेट के लिए जो भी इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी के अप्लाई करने का सोच रहे हैं। जी हां फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में लगभग 38,926 पोस्ट तो है लेकिन पहले से ही स्टूडेंट सेलेक्टेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने सही सुना। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी में क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, पिछले साल कितना कट ऑफ मार्क्स गया था, उससे पिछले साल कितना कट ऑफ मार्क्स गया था, आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसको अप्लाई करें, आपका 100 रुपया तो जाएगा ही, साथ में साथ आपका टाइम पास भी हो जाएगा और अगर आप साइबर में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी 150 आपका खर्चा हो ही जाएगा। और ST SC या फिर फिजिकली हैंडीकैप और फीमेल स्टूडेंट का फीस तो नहीं लग रहा, लेकिन टाइम तो पास आपका हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के घर बैठे आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करने का सोचेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर डायरेक्ट लिंक भी दे दिया हूँ, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अभी हम इसके बारे में अधिक जानकारी देता हूँ और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई का पहले भी वीडियो बना चुका है, आई बटन पर दे दूंगा, पिछला वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। पहले आप लोग जानिए कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और पिछले साल का कितना कट ऑफ मार्क्स गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक है अप्लाई ऑनलाइन का, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गया। अभी इसका हम नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड करते हैं इस वैकेंसी का, तो नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लिए। तो देख सकते हैं इसका लास्ट डेट जो है 5-6 तक डेट है, हो सकता है डेट आगे एक्सटेंड करे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि ये 10th पास लेवल वैकेंसी है, सब कोई सोच रहा है 10th पास है, उम्र 18 साल से 40 साल दे दिया है तो अप्लाई कर देते हैं, हम एलिजिबल है। लेकिन आप पहले जानिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी तो निकाल देते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और ज़्यादा पोस्ट दे दिए हैं और कम पैसा ले रहा, इसी की वजह से स्टूडेंट करोड़ों स्टूडेंट अप्लाई कर देंगे और उसमें से स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पहले से स्टूडेंट सेलेक्टेड रहता है। कैसे सेलेक्टेड रहता है चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसका लास्ट डेट 5-6 तक है, पहले वीडियो को देख लीजिएगा उसके बाद ही आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। 5-6 मिनट का वीडियो देख लीजिए। तो इसमें जो है 3 पोस्ट है, एक BPM मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, कोई भी एक पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ का ब्रांच पोस्ट मास्टर एक है पोस्ट, उसका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एक पोस्ट है और डाक सेवक, मतलब जो आप पोस्ट ऑफिस में आपका घर में पार्सल वगैरह जो आता है तो डाक सेवक हो गया। ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही सैलरी देख सकते हैं 12,000 है। ये आपका जो जॉब है ये प्योर गवर्नमेंट का नहीं है, आपको अंडरटेकिंग में रखा गया है, मिनिमम TRC आपको दे के यहाँ पर 12,000 रुपये का पेमेंट है। कोई भी परमानेंट जॉब ये नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस का है तो परमानेंट कर देंगे या फिर 10 साल बाद परमानेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ अभी प्राइवेट करते जा रहा है और हर साल ऐसे ही प्राइवेट में ही निकाल रहा है, तो आपको 12,000 में ही खटना होगा। तो देख सकते हैं BPM का 12,000 सैलरी है, पेमेंट है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का जो कितना सैलरी है 10,000 रुपया। तो सोचिए 10,000 आपका काम है तो नज़दीकी अगर आपका पोस्ट ऑफिस में मिलेगा तो ही ठीक है, नहीं तो आपका सोचिए कि यहाँ पर 12,000 और 10,000 में आपको खटा रहा है। अभी बात आता है कि आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका इस जॉब में वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हड़बड़ा के आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे, पिछले साल का आप लोग रिकॉर्ड को देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हम बंगाल का पिछले साल का सिलेक्शन का रिकॉर्ड देख रहे हैं, बंगाल का ये जस्ट जो अभी निकल के पार हुआ, 6 महीना भी नहीं हुआ, पिछला वीडियो बना चुका है तो कुछ दिन पहले का ही है, जिसमें स्टूडेंट का जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है कितना कट ऑफ मार्क्स गया वो देखिए। जो हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स गया जनरल स्टूडेंट का बंगाल का है, इसके बाद मैं आप लोगों को जम्मू का दिखाऊंगा, फिर उत्तराखंड का दिखाऊंगा और भी स्टेट का दिखाऊंगा। तो बंगाल में ही आप लोग देख लीजिए, जो हाईएस्ट जनरल का कट ऑफ मार्क्स गया वो 97.4% गया, उसके बाद फिर OBC का गया 95%, मतलब 10th में जिसका 97% है उसका सिलेक्शन हुआ, जिसका 95% है उसका OBC में सिलेक्शन हुआ, EWS में जिसका 95.85% है उसका हुआ, SC स्टूडेंट का जिसका 93% है उसका हुआ, उसके बाद SC स्टूडेंट का 95 हुआ। उसी प्रकार सबसे लास्ट पेज में लेते हैं कि कितना लास्ट कटअप गया है उसको देख लीजिए बंगाल में। तो इसके अनुसार अगर आपका कटअप मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है।
अभी यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट पेज हम लोग चले जाते हैं, तो लास्ट पेज में सबसे लास्ट वाला कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट कट ऑफ मार्क देख सकते हैं जनरल का 96.5% गया है, एससी का 94.8। सोचिए इतना अगर परसेंटेज आपका टेंथ में है तो आपका इसमें सलेक्शन हो सकता है, नहीं तो कितना भी हाथ पैर मार लीजिए आपका सलेक्शन नहीं होने वाला। उसके बाद उत्तराखंड का ही मैं आप लोगों को बात करता हूँ, तो झारखंड का तो छोड़ ही दीजिए, उत्तराखंड में देखिए 95% जनरल का लास्ट गया, फिर 95, फिर 96, उसके बाद 97, एससी का सोचिए 97। अभी लास्ट पेज यहाँ पर लेके चलता हूँ, तो लास्ट पेज में आप लोग सलेक्शन देखिए 93 गया है जनरल का 93.1, फिर 95, फिर एससी का 98, इस प्रकार सोचिए कि 90 एबव जा रहा है। तो सोचिए अगर आपका 90% से ऊपर अगर परसेंटेज है, चाहे जनरल है ओबीसी एसटी एससी जो भी है, 95 मान के चले 90 या फिर 85 ही ले लीजिए, अगर 80 से अबव आपका टेंथ का परसेंटेज है तो आप अगर इस वैकेंसी के अप्लाई करेंगे तो आपका मतलब थोड़ा सा चांस रहेगा कि आपका हो सकता है। जिसका भी 95 से अबव है उसका 100% चांस रहेगा कि मेरिट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिसका 80 से ज़्यादा है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 100 रुपया लग रहा है अप्लाई कर दीजिए 80 से ज़्यादा का, लेकिन 80 से ज़्यादा का होने का चांस नहीं है, 90 से ज़्यादा जिस भी स्टूडेंट का नंबर है उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपका टेंथ में जितना परसेंटेज है उस बेस ही आपका सिलेक्शन होगा और उसी बेस पे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जिसका भी 50%, 60%, 70%, 76% ऐसा है तो उन लोग का सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, कितना भी आप अप्लाई कर लीजिए जो भी कर लीजिए सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका टेंथ का मार्क्स के अनुसार ही इसमें सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को पिछला साल का कट ऑफ मार्क्स भी दिखा दिए, 2-4 स्टेट का मार्क्स भी दिखा दिए, और सभी जानकारी आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका मन, अगर आपको अप्लाई करने का मन कर रहा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।